तो ये है हमारा प्यारा साहिक और ये बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि इसकी ना कोई दोस्त है ना कोई दोस्तनी। ये पूरा टाइम घर पर पड़ा रहता है क्योंकि इसका कोई भी दोस्त इसके साथ रहना नहीं चाहता। मैं कितना अकेला हूँ। हल्क बहुत ही ज्यादा अकेला है। जब उसके सारे के सारे दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं तो हल्क अकेला कोने में रो रहा होता है। और आज हम हल्क की मदद करने वाले हैं उसको एक गर्लफ्रेंड दिला के। जी हाँ, हल्क को मिलने वाली है खतरनाक सी गर्लफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड रेडी भी एक डेट के लिए। तो हल्क फटाफट से खुश हो जाओ, तुम जाने वाले हो एक डेट पर। तो काइजर आज हम हल्क की मदद करने वाले और काइजर हम हल्क को लेके जाने वाले एक डेट पर। ये हल्क की लाइफ की पहली डेट होने वाली है तो हल्क को देखते हैं क्या वो लड़की पसंद आती है। अरे फ्रैंकलिन तुम टेंशन मत लो, मुझे बस लड़की चाहिए। गूंगी बैरी कैसी भी चलेगी, बस लड़की होनी चाहिए। तो काइजर हल्क की डेट की प्लानिंग करी हमने इस खतरनाक से होटल में और हल्क यार थोड़ा सा लेट भी हो चुका पर कोई बात नहीं, हल्क बस पहुंच चुका होटल पे। देखते हैं उसकी डेट कैसी जाती है। चलो चलो मजे आएंगे। अरे ये क्या? अरे नहीं नहीं वो नहीं है। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी मुझे लगता है ये होगी। हेलो मेरा नाम है हल्क, मैं आ गया। अरे ये क्या है? अरे हल्क क्या हो गया, मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा। हेलो हल्क कैसे हो? अरे ये क्या, ये तो एक हड्डी का ढांचा है। अरे हल्क तुमने तो बोला था लड़की कैसी भी चलेगी बस लड़की होनी चाहिए। मैं देख नहीं सकती हूँ और मेरे पास शरीर नहीं है, मैं सिर्फ हड्डी का ढांचा हूँ। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। नहीं 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 मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, ये तो हड्डी का ढांचा है, मुझे डर लग रहा है, भागो। अरे हल्क मेरी बात सुनो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नहीं मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, भागो। अरे फ्रैंकलिन ये क्या ला दिया तुमने? अरे मुझे तो लगा था ये लड़की होगी, ये तो एक हड्डी का ढांचा निकला। अरे काइजर ये तो बहुत ही खतरनाक है। अरे फ्रैंकलिन तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, भागो यहाँ से। अरे सॉरी हल्क मुझे पहले पता करना चाहिए था। अरे फ्रैंकलिन तुमने ये क्या कर दिया, मुझे स्केलेटन दिखा दिया, अब मैं रात भर डरता रहूंगा, रात को सपने में ये स्केलेटन आएगा। अरे हल्क तू टेंशन मत ले, तेरी गर्लफ्रेंड हम बना के रहेंगे। मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। अरे ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं, इस बार हम अच्छी गर्लफ्रेंड लाएंगे तेरे लिए। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मुझे चार पांच ऑप्शन चाहिए, उन चार पांच ऑप्शन में से मैं सेलेक्ट करूंगा मैं किससे शादी करूंगा। अच्छा हल्क तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए चार पांच ऑप्शन लगा देता हूँ, तू उनमें से सेलेक्ट करना। तो काइजर हल्क की पहली डेट तो फेल हो चुकी है पर आप टेंशन मत लो, हल्क की शादी आज होगी रहेगी। हम उसके लिए और भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड ढूंढ के लाने वाले हैं और हल्क को जो भी अच्छी लगेगी वो उसके साथ रहेगा। चलो फटाफट से चलते हैं। तो काइजर अब हल्क खोलने वाला है गर्लफ्रेंड लकी बॉक्सेस क्योंकि हल्क को मेरी चॉइस पसंद नहीं आई थी और इन लकी बॉक्सेस में से निकलने वाली है खतरनाक खतरनाक गर्लफ्रेंड और जो भी हल्क को पसंद आएगी वो उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। और ये क्या, हल्क ने सबसे पहले लकी बॉक्स खोल भी दिया। अरे गर्लफ्रेंड कहाँ पे, लगता है वो हाइट में बहुत ही ज्यादा छोटी है इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रही। अरे हल्क थोड़ा सा साइड हो ना। अरे फ्रैंकलिन ये क्या मजाक है, ये तो एक कुतिया है। क्या ये तो कुतिया है सही में? फ्रैंकलिन मैंने बोला था मेरे से मजाक मत करना, अब क्या मैं इस कुतिया को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊं? मतलब अगर तुम चाहते हो तो बना सकते हो, मुझे तो ये अच्छी लग रही है तुम्हारे लिए। ये देखो कैसे पूंछ हिला रही है तुम्हारे लिए, मुझे लगता है इसे तुम बहुत ही पसंद हो। तो काइजर फटाफट से कमेंट करके बताओ हल्क के लिए कुतिया कैसी रहेगी, इससे शादी करेगा? मैं इससे शादी नहीं करूंगा। ए कुतिया इधर आ, मुझे तेरे से शादी नहीं करनी। फ्रैंकलिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक जा, अरे ये क्या कुतिया को फेंक दिया। फ्रैंकलिन ये लकी बॉक्स तो बहुत ही खराब है। अरे सिर्फ ये वाला खराब था, तुम टेंशन मत लो, अगला लकी बॉक्स बहुत ही खतरनाक होगा। अच्छा ठीक है इसको खोलते हैं, ये ले। और ये क्या, हल्क ने अपना अगला लकी बॉक्स खोल दिया। और ये क्या, ये तो सुपर गर्ल है। हल्क मैंने बोला था ना हर लकी बॉक्स खराब नहीं होंगे, ये देख इसमें से सुपर गर्ल निकली। अरे वाह ये तो सुपर गर्ल है, अब हुई ना कुछ बात, ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, चलो मैं तुम्हें डेट पर लेके चलता हूँ। तो गाइस अभी सुपर गर्ल और हल्क हमारे आ चुके डेट पर, वो भी बिल्कुल बीच के किनारे। मुझे ऐसा ही चाहिए था, मैं ऐसा ही चाहता था, मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड हो और सामने पानी हो, उधर सनसेट हो रहा हो। लगता है हल्क का सपना पूरा होने वाला है, उसको उसकी गर्लफ्रेंड मिलने वाली है। हल्क कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड? मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। चलो हम सुपर गर्ल से भी जान लेते हैं, क्या उसे वो हल्क अच्छा लगा? अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? अरे फट गया रे।
अरे ये कौन सी लड़की थी, ये तो ब्लास्ट हो गई। अरे तू ठीक तो है ना? अरे मैं तो ठीक हूँ, पर ये क्या हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड तो ब्लास्ट हो गई। अरे कैसर ये क्या हो गया, हल्की गर्लफ्रेंड तो ब्लास्ट हो गई। मैंने सोचा था कि हल्की शादी कंफर्म हो जाएगी, पर उसकी गर्लफ्रेंड ही ब्लास्ट हो गई। कोई बात नहीं, मैं अगले लकी बॉक्स खोलूंगा। चलो कैसर देखते हैं हल्की अगली लकी बॉक्स में उसे क्या मिलने वाला है। क्या उसे उसका जीवन साथी मिलेगा या फिर कोई जानवर मिलेगा? अगर आपको जानना है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और अगला लकी बॉक्स खुल गया। और कैसर अभी आप देख सकते हो अगली गर्लफ्रेंड हल्की आ चुकी है। अरे वाह, ये तो मिक्सी है। अरे ये क्या, ये तो मिक्सी है, ये तो शिनचैन की मम्मी है। शिनचैन और हैरी ने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर लिया था, इसलिए मैं आ चुकी हल्क सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? हाँ मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा, मुझे यही चाहिए था, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ हो, सामने पानी हो और सामने सनसेट हो रहा हो। मुझे याद है ये सेम लाइन इसने सुपर गर्ल के लिए बोली थी। गाइस आपको क्या लगता है हल्क और मिक्सी का कपल कैसा लगेगा, फटाफट से कमेंट करके बता दो। मिक्सी मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो हल्क। मिक्सी क्या तुम मुझसे तुम शादी करोगी? हल्क मैं भी तुम्हें यही बताना चाहती थी, मैं तुमसे। अरे डैड चलो चलो, बोरी मॉम उनको पकड़ो। अरे मिक्सी क्या कर रही हो तुम, ए ये लड़का कौन है, ये हल्क तुमसे शादी करना चाहता है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी मॉम से शादी करोगी? ये लो। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अरे गाइज़र ये क्या हो गया, यहाँ पे तो शिनचैन और उसके डैड आ चुके हैं और वो हल्क को मार रहे। अरे मिक्सी मुझे बचाओ। शादी करना चाहते थे, मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ और मेरे बच्चे से, ना कि तुमसे। मारो इसको मारो। अरे ये क्या, तुम तो स्कैमर निकली मिक्सी, मुझे बचाओ फ्रैंकिन, मुझे बचाओ। अरे मैं इसको नहीं जानता, मैं किसी हल्क को नहीं जानता, मारो इसको मारो। अरे भैया हड्डियां तोड़ दी, मार मार के कंजूमर बना दिया। फ्रैंकलिन ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे मुझे तो ना पता था उसका पति और उसके बच्चे वहाँ पे आ जाएंगे। चलो फटाफट से अगला लकी बॉक्स खोलो। अरे कितनी मार खिलाओगे, पहले वो सुपर गर्ल ब्लास्ट हो गई, फिर मिक्सी के पति ने मुझे मारा। चलो खोलता हूँ। कोई बात नहीं है। चलो गाइस अभी हल्क ने खोल दिया अपना अगला लकी बॉक्स और इसमें कौन है? शिज़ुका। और गाइस ये क्या, इस लकी बॉक्स में तो शिज़ुका निकल चुकी है। तो मेरी शिज़ुका, मैं तेरा नोबिता। अरे हल्क तुम तो बहुत ही ज्यादा फनी हो। अब मैं इतना भी खास नहीं। शिज़ुका क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? हाँ हल्क तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारी मसल्स भी बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जरूर चलूंगी। तो काजल शिज़ुका अभी मान चुके डेट के लिए और इस बार मैं पूरे के पूरे डेट प्लान करके देने वाला हूँ हल्क को। तो चलो फटाफट से डेट पर चलते हैं। अरे हल्क तुम तो बहुत ही ज्यादा स्वीट हो, यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। थैंक यू शिज़ुका, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। देखो देखो हल्क झूठ कैसे बोल रहा है, सब मैंने किया है और बोल रहा है खुद ने किया है। शिज़ुका मुझे तुम बहुत ही अच्छी लगती हो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए इसलिए किया है क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुमसे शादी जरूर करूंगी। अरे वाह शिज़ुका मान गई। अरे ये क्या, शिज़ुका मान गई शादी के लिए? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी शिज़ुका शादी किसी से नहीं कर सकती। हल्क के बच्चे ये ले। अरे ये क्या, ये नोबिता कहाँ से आ गया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी शिज़ुका से शादी करना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें स्मॉल लाइट से छोटा कर दिया, अब तुम किसी से शादी नहीं कर पाओगे। चलो शिज़ुका तुम सिर्फ मेरी हो तुम। शिज़ुका तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी वरना मैं तुम्हें भी स्मॉल लाइट मार के छोटा कर दूंगा। रुक जाओ मेरी शिज़ुका। अरे काइजर हमारे हल्क के साथ तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, शिज़ुका का बस शादी के लिए मान ही गई थी कि उसी टाइम नोबिता आ गया और उसे भगा के ले गया। मैं क्या करूंगा। कोई बात नहीं हल्क, अभी भी हमारे पास और भी लकी बॉक्स है, उनको फटाफट से खोलो और अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढो। ये लो देखते हैं इस बार क्या मिलने वाला हल्क को। और ये क्या, वांडा। इस लकी बॉक्स में से तो वांडा आ चुकी है, क्या ये हल्क की गर्लफ्रेंड बनेगी, क्या ये हल्क से शादी करेगी? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वांडा कैसी हो तुम? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। वांडा मुझे तुम बहुत ही अच्छी लगती हो, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। तो गाइसर अभी वांडा यहाँ पर डेट के लिए मान चुकी है और गाइसर अभी इस बार की डेट पूरी की पूरी हल्क ने प्लान करी है और वो यहाँ पर बोट लेके आ चुका है, उसको पानी में घुमा रहा है। वांडा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम मुझे कितनी ज्यादा अच्छी लगती हो, मैं हमेशा से सोचता था कब वांडा मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? हाँ, हाँ,
मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी भी करूंगी। आखिरकार वांडा मान गई, मेरी गर्लफ्रेंड भी बन गई, मेरे से शादी भी करेगी। ये तो कैसर आखिरकार हल का रिश्ता फिक्स हो गया और कैसर हल करने वाला शादी वांडा से। हल की शादी। हल तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बीवी से शादी करोगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे ये कहाँ से आ गया? अरे बचाओ। अरे कैसर ये विजन कहाँ से आ गया? ये तो हल को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। विजन तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इसके सामने हल्क हमारा बहुत ही कमजोर है। अरे भैया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये विजन ने तो मेरी हड्डियां तोड़ दी। मैं इस विजन के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। ये ले वांडा से मैं ही शादी करूंगा। तू शादी नहीं कर सकता। हल्क के बच्चे, तू उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है। हम दोनों ने पहले से शादी कर रखी है। क्या तुम दोनों से पहले शादी कर रखी है? ये तो मुझे वांडा ने नहीं बताया। सॉरी विजन, ये क्या हो गया? मैंने सोचा था मेरी शादी फिक्स हो गई, आखिरी लकी बॉक्स बचा है, खुल गया। और कैसर हल्का आखिरी लकी बॉक्स खुल चुका है और उसमें से निकली है शी हल्क। क्या शी हल्क? ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है और ये तो हल्क की फैमिली की है। शी हल्क तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हल्क, मैं तुमसे शादी करूंगी। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या फिर पति तो नहीं है ना? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा कोई पति नहीं है। मुझे तुम सिर्फ अच्छे लगते हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं भी तुमसे शादी करूंगी। हो गई, हो गई, आखिरकार हल्क की शादी फिक्स हो गई। तो कैसर हमें शी हल्क और हल्क की हमारी शादी फिक्स हो चुकी है और ये दोनों करने वाले हैं शादी। आखिरकार मेरा सपना पूरा हो गया, हम दोनों शादी करेंगे। तो कैसर हल्क की शादी फिक्स हो चुकी है। अगर आपको इनकी शादी देखनी है तो फटाफट से कमेंट करो नेक्स्ट एपिसोड। और कैसर अच्छी मर्जी बीतती, अगर आपको लाइक कर देना चाहे वो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और कैसर इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर ज्वाइन फॉलो कर लेना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।